तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड चेंज स्पेशल फोटो एडिट। जैसा कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि फोटो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो इस टाइप का फोटो एडिट आप अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप लोगों को इस फोटो का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए गाइस बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यूजर आईडी आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी, तो जाइएगा फॉलो कीजिएगा। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, लेट गेट स्टार्ट। तो गाइस इस टाइप का फोटो एडिट करने के लिए आप लोगों को पिक्स आर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पिक्स आर्ट एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों पिक्स आर्ट ओपन करने के बाद में आप लोगों को इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। यहाँ पर जितना भी बैकग्राउंड और PNG का मैं यूज करूँगा उसका सारा लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाकर के उसको इजी स्टेप में आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर जब भी आप लोगों को बैकग्राउंड ओपन करना तो यहाँ पर आप लोगों को टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है और रिसाइज पर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर साइज अगर 3000 है या 3000 के ऊपर का है तो आप लोगों को उतना ही रहने देना, अगर कम है तो आप लोगों को 3000 फिल कर लेना है और यहाँ से आप लोगों को डन कर देना है। डन करने के बाद में गाइस अब आप लोगों को यहाँ पर अपने मॉडल को करना है ऐड। आप लोगों के पास जो भी सेटिंग मॉडल्स हो उसको यहाँ पर ऐड करना है। तो सिंपली ऐड फोटो पर क्लिक करके हम लोग अपने मॉडल्स को ऐड करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मैंने अपने मॉडल्स को ऐड किया हुआ है जिसका बैकग्राउंड पहले से रिमूव है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो दे दिया है, तो उसे देख करके आप लोग परफेक्ट तरीके से बैकग्राउंड को इरेज करना सीख जाओगे। तो उस पर क्लिक करके आप लोग देख लेना कि कैसे बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो ऑलरेडी मैंने रिमूव करके रखा है ताकि दोस्तों आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे की ओर कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है और आप लोगों के पास जो भी मॉडल्स हो सेटिंग का उसको आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद में गाइस अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को इरेजर का बटन देखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड में, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है एंड इस वाले इरेजर को सेलेक्ट कर लेना है और हार्डनेस को आप लोगों को यहाँ पर 40% रख लेना है एंड ओपेसिटी को भी आप लोग 40% रख दीजिएगा एंड साइज को आप अपने मुताबिक रख सकते हो। और उसके बाद गाइस आप लोगों को नीचे का वाला जो पोर्शन है उसको आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर इरेज कर लेना है ताकि दोस्तों हमारा जो मॉडल्स है वो यहाँ पर इतना फेक मत लगे, तो इसलिए आप लोगों को कर लेना है। आगे मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ग्रीन शेडो भी ऐड करके बताऊंगा, तो उससे आप लोगों का जो लेग्स है वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद में ऊपर से कर देना है डन एंड लेफ्ट साइड से भी आप लोगों को डन कर देना है। ओके गाइस इतना कंप्लीट हो जाने के बाद में सिंपली अब हम लोग करेंगे कुछ PNG को ऐड। तो जितने भी PNG मैं यूज करूँगा उसका सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया है, तो उसे जा करके आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करके हम लोग एक ग्रीन शेडो ऐड करते हैं। ओके तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हो कि ग्रीन शेडो को मैंने ऐड किया हुआ है, तो इसको आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है अपने यहाँ पर लेग्स के ऊपर, ताकि दोस्तों हमारे जो लेग्स हैं उस वहाँ पर जो ग्रास है वो बिल्कुल फेक मत लगे। तो इस तरीके से आप लोगों को एडजस्ट करना है। करने के बाद में अब आप लोगों को ऊपर से कर देना है डन। डन करने के बाद में गाइस फिर से हम लोग PNG को ऐड करेंगे, तो ऐड फोटो पर क्लिक करना है और PNG को ऐड कर लेना है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस बार मैंने इस वाली PNG को ऐड किया हुआ है, तो इसको आप लोग बड़ा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की ओर एडजस्ट कर लेना है एंड ऊपर से कर देना है डन। डन करने के बाद में गाइस फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना है एंड इस बार हम लोग करेंगे 2 PNG को ऐड। तो सिंपली ऐड फोटो पर क्लिक करके हम लोग 2 PNG को ऐड कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने 2 PNG को ऐड किया हुआ है, तो सबसे पहले इस वाली PNG को आप लोगों को यहाँ पर साइड में रखना है एंड इस वाली PNG को आप लोगों को पिक करना है कुछ इस तरीके से एंड आप लोगों को नीचे की ओर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस इस वाली PNG को पिक करना है, इसको आप लोगों को कुछ इस तरीके से इस साइड में एडजस्ट कर देना है एंड ऊपर से कर देना है डन। डन करने के बाद में गाइस अब हम लोग फिर से एक वाइट शेडो की PNG को ऐड करेंगे, तो ऐड फोटो पर क्लिक करके हम लोग उस वाली PNG को ऐड कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो एक शेडो की PNG को मैंने ऐड किया हुआ है, तो इसको आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर एडजस्ट पर जाना है। एडजस्ट पर जाने के बाद इसका सैचुरेशन आप लोगों को डाउन कर देना है कुछ इस तरीके से एंड लाइट्स पर क्लिक करना, लाइट्स को बढ़ा देना है और यहाँ पर आप लोगों को कंट्रास्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कंट्रास्ट को आप लोगों को कुछ इतना इंक्रीज कर देना है एंड यहाँ पर अब आप लोगों को शेडो पर क्लिक करना है और शेडो को आप लोगों को डाउन कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं डाउन नहीं प्लस की ओर रख लेता हूँ एंड यहाँ पर अब आप लोगों को करना क्या है
है कि ऊपर से कर देना है डन। डन करने के बाद में जो आप लोगों को शैडो क्रिएट की हुई है तो इसको आप लोगों को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि दोस्तों आप लोगों को ये यहाँ पर ये लगे कि पीछे से लाइट व्हाइट लाइट आ रही है, तो उसको आप लोगों इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करना है। इरेजर पर क्लिक करना है एंड इस वाले इरेजर पर क्लिक करके आप लोगों को साइज कुछ इतना रख लेना है एंड ऊपर से इसको हटा लेना है एंड ऊपर से कर देना है डन। एंड इस साइड से भी आप लोगों को डन कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हल्का सा लाइट यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों को लाइट एडजस्ट करना है, जैसा कि आप लोग फेस पर भी देख रहे हो कि हल्का सा लाइट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। एंड अब आप लोगों को करना क्या है कि अब इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करना है। तो ड्रॉ टूल पर सबसे पहले क्लिक करके आप लोगों को थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो को कर लेना है सेव, और सेव करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो चलिएगा इस लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो कि लाइटरूम एप्लीकेशन में मैंने फ़ोटो को एंटर कर लिया है। तो सिंपली सबसे पहले आप लोगों को यहां पर लाइट्स को एडजस्ट करना है, तो लाइट्स पर क्लिक करना है, इसका एक्सपोजर आप लोगों को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है एंड कंट्रास्ट को आप लोगों को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना है, हाईलाइट को माइनस की ओर एंड शेडो को हल्का सा इंक्रीज, व्हाइट को माइनस की ओर एंड ब्लैक को भी माइनस की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर टूल्स पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर वाइब्रेंस को इंक्रीज कर लेना है, 23 या 21 रख सकते हो एंड सेचुरेशन को आप लोगों को 2% रख देना है, टिम्ट को आप लोगों को प्लस की ओर रख लेना है, यहाँ पर माइनस की ओर रख लेना है कुछ 4 एंड टेम्प्ट को आप लोगों को 4 रख लेना है प्लस की ओर। उसके बाद गाइस अब आप लोगों को मिक्स टूल पर क्लिक करना है, सबसे पहले आप लोगों को रेड कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन आप लोगों को बढ़ा देना है, लुमिनियंस को भी आप लोगों को बढ़ा देना है। उसके बाद ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करके इसका सेचुरेशन माइनस की ओर रखना है, लुमिनियंस को आप लोगों को बढ़ा देना है, इससे हमारा जो फेस है वो दोस्तों यहाँ पर ब्राइट हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को येलो कलर को सेलेक्ट करके इसका सेचुरेशन बढ़ा देना है, ग्रीन कलर को कलर सेलेक्ट करके आप लोगों इसका भी सेचुरेशन आप लोगों को कुछ इतना बढ़ा देना है। उसके बाद गाइस अब आप लोगों को यहाँ पर इस वाले ओशियन कलर पर क्लिक करना है, और इसको आप लोगों को कुछ इतना इंक्रीज कर देना है और सेचुरेशन को माइनस की ओर रख लेना है। अब आप लोगों को यहाँ पर इस वाले नीले कलर पर सेलेक्ट करके इसका सेचुरेशन डाउन रखना है, लुमिनियंस को बढ़ा देना है कुछ इतना, उसके बाद यहाँ से ऊपर से कर देना है डन। डन करने के बाद में आप लोगों को इस वाले टूल्स पर क्लिक करके इसका टेक्सचर इंक्रीज कर लेना है, क्लियरिटी को आप लोग 4% रख देना है, डीएस को आप लोगों को प्लस की ओर रख लेना है, विग्नेट पैनल को आप लोगों को माइनस की ओर रख देना है कुछ, यहाँ पर मैं विग्नेट को यहाँ पर 22 माइनस की ओर रख देता हूँ। एंड अब आप लोग इस पर क्लिक करके इसका शार्पनिंग इंक्रीज कर लेना है, डिटेल्स को फुल एंड नॉइस रिडक्शन को हाफ रखना है, डिटेल्स को फुल, कलर नॉइस रिडक्शन को भी हाफ, डिटेल्स को फुल एंड स्मूथनेस को फुल, इससे ये होगा जो हमारा फेस है वो दोस्तों स्मूथ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद गाइस अब आप लोग इस वाले टूल्स पर क्लिक करके इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो कंप्लीट यहां पर एडिट हो चुका है, तो बिफोर एंड आफ्टर। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फ़ोटो लगने लगा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कितने अच्छे से मैंने स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को समझाया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को इस फोटो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हो। चलिए गाइस मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।